एक आदमी और उसकी पत्नी चिड़ियाघर घूमने गए। देखते देखते वो बंदर के पिंजरे के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक बंदर अपनी मादा के साथ बड़े जोश से खेल रहा था। यह देखकर पत्नी ने अपने पति से कहा, देखो कितना रोमांटिक जानवर है, अपनी मादा के साथ कितने प्यार से खेल रहा है। तब पति चुप रहा। तभी पति पत्नी आगे गए तो उन्हें शेर का पिंजरा मिला। वहाँ उन्होंने देखा कि शेर और शेरनी दूर दूर बड़े आराम से बैठे थे। खामोश शेर एक कोने पेड़ के नीचे अकेले बैठा था, जैसे शेरनी का कोई अस्तित्व ही नहीं हो। यह देखकर पत्नी ने थोड़े दुखी मन से कहा, कैसे जानवर है, बिल्कुल अलग ही बैठा है, जैसे शेरनी को जानता ही नहीं, जैसे इन दोनों में प्यार ही नहीं। उसने अपनी पत्नी को एक पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को जरा शेरनी की तरफ फेंको। और जैसे ही पत्नी ने शेरनी की तरफ पत्थर फेंका, तभी शेर दहाड़ता हुआ अपनी शेरनी के पास आ गया। पति अपनी पत्नी को एक पत्थर और दिया और कहा, अब इसे बंदरिया की तरफ फेंको। जैसे ही पत्नी ने पत्थर फेंका, वो बंदर अपनी मादा को छोड़कर खुद की जान बचाने के लिए तुरंत पेड़ पर चढ़ गया था। दोनों जानवरों को प्रतिक्रिया समझाते हुए पति ने अपनी पत्नी से कहा, बंदर की तरह झूठे दिखावे नहीं करते और अपने खोखलेपन को छिपाने के लिए अक्सर इस तरह के बाहरी दिखावे वाले रोमांस का ढोंग करते हैं। वहीं शेर की तरह लोग हैं, दिखावे से दूर होकर अपनी जिंदगी आराम से जी रहे हैं। और आज के समाज में हमारे आसपास बंदर ज्यादा है।